जब भी आप हल्का सा हाथ में प्रोडक्ट लेके ऐसे रब करते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब बालों पे भी इजीली ब्रेक डाउन होगा और निकल जाएगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक हेयर टाइप लगा सकता है, चाहे कॉयली हो, कर्ली हो, थिन हेयर प्रॉब्लम भी हो ना आपको, तो भी आप लगा सकते हैं। अब आपको पता लग गया एग्जैक्ट आपका हेयर टाइप कहाँ फॉल करता है, 2A, 2B, 2C। अब आप जब भी गूगल पर सर्च करेंगे 2B मेंस हेयर स्टाइल, अब आपको एग्जैक्ट हेयर स्टाइल मिलेंगे। एकदम पास ले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट मतलब रोक देते हैं एक जगह ट्रायर बार। Hi guys, welcome back to my channel. This is Karan Ashingra, your own the formal edit. आज हम बात करेंगे हेयर स्टाइलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक प्रोडक्ट से, विच वॉज हेयर जेल। और अब बात करो हेयर मूस आ गया, हेयर वैक्स, क्ले, पोमेड, आपका पाउडर आ गया और बहुत सारे प्रोडक्ट। लड़कों के बाल सेट करने के लिए सिर्फ 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और आपके बालों पर क्या सूट करेगा। इंटरनेशनल यूट्यूबर देखो तो वो बोलते हैं हेयर मूस लगा लो, कोई बोलता है हर्बल वैक्स लगा लो, कोई बोलता है अरे देसी चलो ना यार सर्दियों में तो नारियल का तेल भी जम जाता है, और कोई बोलता है कि लगा लो जेल, लेकिन मेरे बाल तो है इतने थिन जेल लगाने से दिख जाएगा जिंगल बेल। कौन से हेयर टाइप पे कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है और वो हैक्स जिससे डैमेज हम कर देंगे बिल्कुल कम, तो वो क्या हैक्स है आइए बात। दोस्त आपके बाल पता है किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ दो चीजों पे। पहला है आपके जेनेटिक्स, मतलब कितने कर्ली, कितने स्ट्रेट, कितने वेवी होने वाले हैं, उसकी थिकनेस कितनी होगी, कितने घने होंगे। दूसरी चीज हेयर कंडीशन पे, बाल वही रहते हैं सबके, लेकिन कभी कभी बोलते नहीं आज मेरे बाल बड़े रूखे लग रहे हैं, लड़के बोलती नहीं गुड हेयर डे बैड हेयर डे, वो इसलिए बोलते हैं कभी कभी वेदर कंडीशन ऐसी होती है, मतलब जैसे मैं बॉम्बे या गोवा जाता हूं तो मॉइस्चर ज्यादा रहता है कोस्टल एरिया के पास, तो बाल अच्छे से खड़े नहीं हो पाते, या हार्श है वहां पे सन, आप ज्यादा केमिकल या हीट यूज कर रहे हैं। आपकी डाइट लाइफस्टाइल कैसी, आपका शैम्पू, कंडीशनर, स्टाइलिंग के सारे प्रोडक्ट्स आपके डिपेंड करते हैं आपका हेयर टाइप क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली खरीदेंगे तभी तो वो बेस्ट रिजल्ट दे पाएगा। और आपकी चार ब्रॉड कैटेगरीज होती है। सबसे पहला होता है स्ट्रेट हेयर, जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में रेयर है, वो प्रेसिंग वाला स्ट्रेट नहीं, वो बिल्कुल नेचुरली स्ट्रेट होने चाहिए। कई एशियन वुमेन के होते हैं लेकिन बहुत कम देखे जाते हैं, क्योंकि हल्का सा भी कब आया वो वीवी की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आता है वीवी, कर्ली और कॉयली, इनमें तीन सब कैटेगरीज हैं। हम वीवी की बात करें तो आपका सीधा ही होता है, हल्का सा भी मोड़ आ गया, आधा एस दिख गया तो मतलब वो 2A है, वो दूर दूर से एस दिख रहा है बड़ा बड़ा तो मतलब 2B है, वो रिपीट छोटा छोटा एस आ रहा है तो वो 2C है। फिर आता है 3, मतलब कर्ली, कर्ली के अंदर 3A होता है, हल्का बड़ा बड़ा सी बन रहा है। उसके बाद 3B आता है, वो जल्दी जल्दी छोटा छोटा सी आ रहा है। उसके बाद कभी स्पाइरल कराई है, स्पाइरल में आता नहीं है, 3C। फिर आता है 4, यानी कि कॉइल्स, इसकी परसेंटेज इंडिया में कम मिलेगी लेकिन मिलेगी आपको, 4A यानी कि बिल्कुल टाइट कॉइल्स, 4B यानी कि आपकी सी एस कॉइल्स, को शेप नहीं दिख रही यहाँ पे, बाल थोड़े से फिजी और बाहर को निकल रहे हैं। 4C आर द हार्डेस्ट टू कॉम्ब एंड स्टाइल, आपको एफ्रोजेनेटिक्स में ज्यादा दिखेंगे। ये होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब आपको पता लग गया एग्जैक्ट आपका हेयर टाइप कहाँ फॉल करता है, 2A, 2B, 2C। अब आप जब भी गूगल पर सर्च करेंगे 2B मेंस हेयर स्टाइल, अब आपको एग्जैक्ट हेयर स्टाइल मिलेंगे आपके हेयर टाइप के लिए। सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले हो 9 प्रोडक्ट जो हर एक हेयर टाइप को कवर कर लेंगे, वो हैं जेल्स, जिससे इंडस्ट्री हमारी स्टार्ट हुई थी, फेमस है आपके ओल्ड स्कूल हेयर स्टाइल्स के लिए, एक टाइट और एकदम वेट वॉल्यूम देता है, आपके ऑफिस लुक्स हो गए, फॉर्मल लुक्स हो गए, जब सूट्स के साथ रहते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको हेयर थिनिंग प्रॉब्लम है या जिनके बाल बहुत पतले हैं उनको अवॉइड करना है, क्योंकि आपके बालों को वेट ज्यादा देता है, चिपकाता है और हेयर थिनिंग और विजिबल होती है। पोमेड, जो आपको वॉल्यूम देता है और वॉल्यूम के साथ साथ हल्की सी शाइन देता है, आपके स्ट्रक्चर्ड हेयर स्टाइल, मतलब हल्का सा ज्यादा वॉल्यूम हो गया, पॉम्पटोर हो गया, क्विफ हो गया, ऐसे हेयर स्टाइल्स के लिए बेस्ट है, जो थोड़ी टाइट लुक देते हैं, आपके स्ट्रेट हो गया, वेवी हो गया, लिटिल कर्ली हेयर इन पे सूट करता है, ज्यादा कर्ल्स और कॉइल्स पे नहीं। पोमेड में क्या था, आपका टाइट होल्ड था और शाइन थी, इसके अंदर क्या है और ज्यादा टाइट होल्ड है लंबे टाइम के लिए वर्सेस पोमेड, और शाइन कम है, हल्की सी ड्राई लुक। हेयर के लिए आपको पत्थर वाला वॉल्यूम नहीं देता, एक सॉफ्ट मेसी वॉल्यूम देता है, हर हेयर टाइप पे चला जाएगा एक्सेप्ट आपके बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई, फिजी या ज्यादा कर्ली ना हो। और अगर आपकी हेयर थिनिंग प्रॉब्लम है या पतले बाल हैं तो दो इंग्रेडिएंट्स ध्यान रखें, काइलिन और बेंटोनाइट। अगर ये वाले इंग्रेडिएंट की हेयर के लिए लेंगे तो एक फुलर वॉल्यूम देगा। मूज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक हेयर टाइप लगा सकता है, चाहे कॉयली हो, कर्ली हो, थिन हेयर प्रॉब्लम भी हो ना आपको तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि करता क्या, ये बाल सेट नहीं करेगा, ये आपके बालों को वॉल्यूम देगा। हल्के टॉवल ड्राई बालों में अच्छे से मसाज करें लगा के इससे, उसके बाद ड्राई करते एक नेचुरल वॉल्यूम सा लगता है, एंड देन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हल्का सा प्रोडक्ट हेयर क्रीम उनके लिए जिनको बिल्कुल नेचुरल सॉफ्ट लुक दिखानी है, उसमें से हल्का सा एक फ्लफ डाल दिया, या जिनके बहुत कर्ली कॉयली बाल है जिनको एक अच्छी शाइन और एक शेप देनी है। कर्ली बाल है तो नेचुरल ऑयल जो स्कैल्प प्रोड्यूस करता है वो धीरे धीरे आता है इनके, इसलिए बाल ज्यादा ड्राई फिजी रहते हैं, तो उनके लिए आता है सिरम जो बिल्कुल आपके डैमेज और फ्रिजी बाल नहीं दिखाएगा। इवन आपके पास स्ट्रेट है और थोड़े फ्रिजी दिखते हैं तो भी आप सिरम यूज कर सकते हैं, तो ना कि मैंने ड्राई करा और सीधा स्प्रे लगा लिया बाल सेट करने के लिए, दैट्स रॉन्ग। 90% ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, अपने बाल हल्के से ड्राई करे, उसके बाद जो भी मेरे हेयर टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट आता है वो यूज करा, और कभी ओकेजनली मेरे को उसको लंबे टाइम के लिए सेट करना है
तो फ्रीज करा। हेयर वॉल्यूमनाइजिंग पाउडर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिन लोगों को थोड़ी वॉल्यूम पसंद है और एक ड्राई में लुक पसंद है, जिनके बाल पतले हैं, जिनके बाल हल्के से वेवी हैं, हल्के कर्ली है उनके लिए ठीक है, जिनके बाल ज्यादा कर्ली या कॉयली है उनके लिए नहीं। इट्स प्रूवन फैक्ट कि डाइट अगर आप गंदी रखेंगे या कोई गंदे फूड्स खाएंगे तो आपकी जो स्कैल्प है, आपके बाल है, वो डैमेज होंगे। क्यों? वो आपका ट्रिगर कर सकते हैं ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन, ज्यादा फ्लेकीनेस, मतलब डैंड्रफ बढ़ सकती है उससे, और आपकी जो स्कैल्प को वो इन्फ्लेम कर सकता है। आप नोटिस करेंगे 3-4 दिन आप जंक फूड ज्यादा खाने लगते हैं तो क्या होता है, आपकी स्कैल्प ईची हो जाती है। अगर आप लंबे टाइम तक ज़्यादा फ्राइड, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा फुल फैट डेरी हो गया, ज़्यादा डाइट सोडाज हो गए, ये चीज़ें लेंगे और अपने हेयर को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो आप नोटिस करेंगे हेयर लॉस और हेयर थिनिंग प्रॉब्लम आ सकती है। बायोटिन, जिसको विटामिन B7 भी बोला जाता है, इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जो हेयर सेल्स है उसको ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। जो भी आप खाना खाते हैं उसको वो ब्रेक डाउन करता है और स्ट्रेंथन करता है आपके बालों को और नेल्स को। अब आपके बाल बनते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम होता है केराटिन। बॉडी को अच्छी सप्लाई चाहिए बायोटिन की टू प्रोड्यूस केराटिन। और आज का जमाना देख रहे हैं आप, फास्ट फूड है, पॉल्यूशन इतना है, हर चीज में केमिकल की इन्वॉल्वमेंट है, आपका ड्रायर से लेके आपके शैम्पू से लेके आपका कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट हो गया, और जनरेशन बाय जनरेशन हमारी हैबिट्स के कारण हमारी जो हेयर जेनेटिक्स है दैट इज गेटिंग वीक। तभी स्ट्रांग बालों के लिए अच्छी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल की भागा दौड़ी की जिंदगी में वो परफेक्ट डाइट लेना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बॉडी बनाते हैं तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको वो प्रोटीन लेना पड़ता है इतने ग्राम, उसके लिए कभी कभी नहीं भी पूरा हो पाता तो आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं, एक सप्लीमेंट लेते हैं, विच इज नॉट बैड। तभी आपने मेरी स्टोरीज और वीडियोज में बहुत बार देखा होगा कि मैं बायोटिन के सप्लीमेंट्स लेता हूं। एंड तभी रिसेंटली आई स्विच टू HK Vitals बायोटिन हेयर गमीज, जो 10,000 mcg नेचुरल क्लीन बायोटिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है, और दिन में एक सर्विंग आपके इंपॉर्टेंट हेयर विटामिंस है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक जिंक, फोलेट और विटामिन ई भी है इसके अंदर, जो आपके डैमेज को रिपेयर करता है, साथ साथ क्वालिटी इंप्रूव करता है, केराटिन प्रोडक्शन बढ़ता है जिससे आपके बाल टूटने और थिनिंग के चांसेस कम। एंड बहुत लोगों को डेली टैबलेट्स खाना नहीं पसंद, सो ये बायोटिन हेयर गमीज इजीली खाई जाती है क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। हेयर सेटिंग रूटीन जो कम से कम करेगा डैमेज, सबसे पहले उसका ओरिजिनल वेट लेके आना है बालों का, मतलब उस पर कोई एक्स्ट्रा ऑयल जो आपकी स्कैल्प प्रोड्यूस करती है, कोई डर्ट हो, कोई पुराना प्रोडक्ट हो, उसको रिमूव करना है, शैम्पू करना है, सो दैट वो वॉल्यूम ले पाए। हेयर लेंथ गलत हुई तो डैमेज ज्यादा, मतलब अगर हेयर की लंबी लेंथ रहेगी तो उसका वेट ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट लगेगा उसको खड़ा करने में, तो हमेशा मीडियम या शॉर्ट लेंथ रखेंगे तो लंबे टाइम तक हेल्दी बाल रख सकते हैं। प्रोडक्ट से ज्यादा डैमेज होता है आपकी हीट से, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर लानी है बीच में, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे 300 रुपए का 2-3 महीने चल जाएगा। अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो एक हैक है, 1-2 बूंद थिन हेयर ऑयल लेना है, ज्यादा लिया तो होल्ड नहीं बनेगा आपका, सिर्फ 1-2 बूंद ऑयल हल्का सा पानी के साथ उसको एंड्स पे मसाज किया। लोग कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं, एकदम पास ले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट मतलब रोक देते हैं एक जगह ट्रायर बार बार, तो उससे क्या होता है रूट जल्दी डैमेज होती है। 5-6 इंच दूर रख के डिस्ट्रीब्यूट करनी है एयर, और बिल्कुल गर्म पे नहीं रखना, या तो कोल्ड या तो मीडियम हॉट। ज्यादा वॉल्यूम के लिए पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाए, देन गो इन द फाइनल डायरेक्शन, और हमेशा वाटर सॉल्यूबल प्रोडक्ट बेटर रहता है रादर देन ऑयल सॉल्यूबल, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल क्या होता है, जब भी आप हल्का सा हाथ में प्रोडक्ट लेके ऐसे रब करते हैं वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब बालों पे भी इजीली ब्रेक डाउन होगा और निकल जाएगा एक ही वॉश में आराम से पानी से, ना कि अगर ऑयल सॉल्यूबल होगा तो वो चिपका रहेगा और स्कैल्प पे एलर्जी कर दे। रब करने के बाद प्रोडक्ट हमेशा एंड पे लगाना है, कभी भी रूट्स पे नहीं लगाना, और इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी प्रोडक्ट लगा दे 1-2 मिनट लगता है उसको लॉक होने में, तो बार बार उस पे हाथ ना लगाएं एक बार लगाने के बाद, तो वो लॉक भी टूटेगा, होल्ड भी लंबा नहीं रहेगा, और बार बार प्रोडक्ट मतलब ज्यादा डैमेज, बालों से चिपक जाता है प्रोडक्ट, तो हल्का सा शैम्पू लेके ड्राई बालों पे मसाज करे और फिर उसको धोए, वो अच्छे से निकल जाएगा। सो गाइज, ये था कंप्लीट गाइड आपके हेयर टाइप पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा जो लीस्ट डैमेज करेगा आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो हेयर गमीज बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa, और वो ऑल्सो अवेलेबल है HKVitals.com पे। आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।